Hello students, welcome to Meet the Maths classes. Your question is, check whether the relation R on the set of real numbers defined by, your relation is defined, the two real numbers are related, A is related to B if and only if A is less than equals to B cube. And you have to check this relation for reflexive, symmetric and or transitive. So your relation, you must know that your relation can satisfy three of these properties. So we are going to check our relation for these three properties. Our relation is defined on the set of real numbers to the set of real numbers such that R ke andar kaise ordered pairs aayenge, A is related to B if and only if A is less than equals to बी क्यू. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रिलेशन को के लिए ये चेक करना है वेदर योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. अब देखो, आपका एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर एक रियल नंबर इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ. बट आप इस वाले उसके अंदर अगर किसी भी इस ऑपरेशन के अंदर कोई भी एक रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे देन यू विल गेट द कॉन्ट्रडिक्शन, इट वॉन्ट सेटिस्फाई. अगर आप टू इज़ अ रियल नंबर, टू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, टू इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू टू क्यूब, नो, टू इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू टू क्यूब, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं होता. सो यू हैव गॉट अ रियल नंबर विच डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन. So this is not this relation is not reflexive. So अभी भी आपको deny करनी है कोई statements and then you are going to give a counter example for it. So the counter example for your relation is not reflexive is, take two belongs to the set of real numbers but 2 is not less than equals to 2 cube. That implies that 2 is not related to 2 under this relation. Is relation mein nahi aa raha hai. And one counter example is more than enough to deny this statement. That implies your relation R is not reflexive. Okay. Similarly, you are going to check your relation for symmetry. Now, for symmetry, you must have, if one real number is related, if A is related to B, then B must be related to A also. आपको बहुत सारे real numbers मिलेंगे जहाँ आपका A B से related होगा, but इन टर्न बी ए से रिलेटेड नहीं होगा. तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं. सपोज टू, आप टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन एंड टू, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू क्यूब. टेक वन एंड टू, टू नंबर्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट you know that 1 is less than equals to 2 cube. That implies that 1 is related to 2 under this relation. But 2, agar aap check karte hain, 1 cube se less than equals to hai, nahi, 2 greater ho jata hai 1 cube se. So 2 is not less than equals to 1 cube. तो आपका दैट इम्प्लाइज टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन एंड वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू डिनाई दिस स्टेटमेंट दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक. एंड सिमिलरली यू आर गोइंग टू चेक योर रिलेशन फॉर ट्रांजिटिविटी. नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी आप ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये वाला रिलेशन, बट यू आर हैव टू सेट अ काउंटर एग्जाम्पल. तो आप कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल ऐसा सेट करो. लेट अस टेक सम टू टू पॉइंट्स वेयर ए इज रिलेटेड टू बी.
तो आप कोई भी नंबर्स सेट कर सकते हैं, दो रियल नंबर्स ले लो, टेक 5 and 2, सच दैट 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, एंड दैट इम्प्लाइज दैट 5 इज रिलेटेड टू 2. एंड इन टर्न आपका ट्रांसटिविटी क्या होती है, योर ट्रांसटिविटी सेज इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इन टर्न इज रिलेटेड टू सी, दैट मस्ट इम्प्लाई दैट ए मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड टू सी. बट इस केस में आपका 5 2 से रिलेट हो रहा है और 2 को इन टर्न किसी से ले सकते हैं, लेट अस टेक 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2^1/3. 2^1/3 इज अनदर रियल नंबर, सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2^1/3 का क्यूब. दैट एम्प्लाइज दैट 2 इज रिलेटेड टू 2^1/3 अंडर दिस रिलेशन. बट इफ यू आर गोइंग टू चेक वेदर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2^1/3 का होल क्यूब, नो, ये आपका 2 आता है, 5 इज ग्रेटर देन 2^2, सो दिस इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2^1/3 का होल क्यूब. दैट एम्प्लाइज दैट 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2^1/3. सो दिस काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू शो दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव. So your relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive.